हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ए जिंदगी। नाउ जिंदगी, जिंदगी लाइफ, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है? कई लोग कहते हैं कि लाइफ में ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? वेल, व्हाट इज ट्रस्ट? ट्रस्ट इज दिस इनविजिबल फोर्स जो हमारे सारे रिश्तों को एक साथ जोड़कर रखती है। अब वो रिश्ते कोई भी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, भाई बहन, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, एनीथिंग। सारे रिश्तों की जो नींव होती है, जो बुनियाद होती है, वो ट्रस्ट पे टिकी होती है। And you know what trust is like? It's really funny, क्योंकि हम वो जो पत्तों का घर नहीं बनाते, कैसे उसे बनाने में कितना समय लग जाता है, लेकिन टूटने में एक सेकंड नहीं लगता। That's exactly what trust is. Well, trust को जितना आसानी से तोड़ सकते हैं ना आप, उसको बनाने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। तो इसीलिए if you like somebody and if you fall in love with somebody, don't blindly trust them. Wait, spend time with that person, observe that person. क्योंकि किसी गलत इंसान को ट्रस्ट करने से यू स्टैंड अ चांस टू ब्रेक योर हार्ट, व्हिच इज नॉट राइट। तो हमारी आज की कहानी भी इसी मुद्दे पर है, ट्रस्ट। अब ट्रस्ट करें तो किस पर करें, और अगर किसी पर करें तो कितना करें। वेलकम टू ए जिंदगी एवरीबॉडी। अरे आज अपना भाई फिल्म मेकिंग का फॉर्म भर के आया। परमिशन मिल गई इसको? अभी तो नहीं, होपफुली मिल जाएगी। हाय गाइस। हाय। हे। हाय। करण, मैं क्या कह रहा था कि हम सब यहाँ हैं तो मीन सेलिब्रेटिंग कॉलेजेस फर्स्ट डे विद द फिल्म। इट्स अ ग्रेट आइडिया यार, चलो ना चलते हैं यार। चल गाइस, सब लोग तो चलेंगे पर मीनू नहीं आ पाएगी, उसके भाई की शादी है। जिसे आना है उसे वेलकम, जो नहीं आना चाहता इट्स ओके, हम घर जाएंगे तो बेहतर होगा। चलो ना गाइस, यार लेट हो रहा है यार, चलो ना। अरे सब पता है मुझे, ये नेम प्लेट तुम्हारे महान बेटे ने तोड़ी है, गुंडा कहीं का। अरे वाह वाह वाह, कुत्ता बेटा माफिया और चले गांव में गुंडा ढूंढने। अपने बेटे को देखिए पहले, कल भी उसने हमें धमकी दी थी। माफिया बुला रहे तो ये भी पता ही होगा ना कि सिर्फ धमकी नहीं देते हम, सीधा घर में घुस के करते जो भी करना है। बकवास मत कर। लो आ गया गुंडा। गलत बात मत कीजिए अंकल, अगर मैं गुंडागर्दी पे आ गया ना तो आप सब पे भारी पड़ जाऊंगा। क्या कर लेगा? छोड़ूंगा नहीं अगली बार उसको। तू शांत हो जा, आ जा बैठ यहां पे। माफ कीजिएगा बहन जी, क्या बताए, पड़ोसियों ने परेशान कर रखा है। मीनू, श्वेता दी, तुम आ गए? आओ ना अंदर आओ। कॉन्ग्रेट्स भैया, आप तो बहुत लकी निकले, कितनी सुंदर भाभी है। मम्मी ने ना स्पेशली मुझे पहले भेजा ताकि मैं आपकी शादी की तैयारी में हेल्प कर सकूं और एक स्पेशल मिशन के लिए। कैसा स्पेशल मिशन भाई? भाभी की फर्स्ट हैंड रिपोर्ट देने के लिए, और भाभी तो फ्लाइंग कलर से पास हो गई। अच्छा भाभी, आप और भैया फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे? ट्यूशन्स में। ट्यूशन्स में? भैया आप कौन सा ट्यूशन पढ़ते थे? अरे भैया नहीं, नीनू। एक्चुअली मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स को। अजय वहाँ मीनू को पिक और ड्रॉप करने आया करते थे। तो अभी भी आप ट्यूशन पढ़ाते भाभी? नहीं नहीं, छुड़वा दी हमने। एक तो वो अब हमारे घर की बहू बनने वाली है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। मीनू की क्लासेस भी घर में हो जाएगी, और वो बगल वाला गुंडा है ना, इनकी ट्यूशन में जाता है, उससे भी पीछा छूट जाएगा। सुहेल, सुहेल नाम है उसका। हाँ वही,
नाक में दम कर रखा है इसने। आज देखो हमारी नेम प्लेट तोड़ दी। मैं तो कहता हूँ हमारा देश हो या हमारा मोहल्ला, दोनों की हालत एक जैसी है। जब भी कोई गड़बड़ी होती है ना तो पड़ोसी के कारण होती है। श्वेता लंबे सफर से आई, थक गई होगी, जाके फ्रेश हो जा। मीनू लेके जा इसे। हाँ जा। अच्छा बाबा जाती हूँ। बहुत सारी बातें करनी है मुझे आपसे। अरे पहले तू रुक, तू ये बता तेरा कॉलेज कैसे चल रहा है, और वो क्या नाम बताता तूने उसका? करण, मत पूछो। क्या हुआ? पता नहीं, हावी नहीं देता, इग्नोर करता रहता है। और ऐसा क्यों? पता नहीं, वो पड़ोस का एक लड़का ना सोहेल, उससे हमारी बनती नहीं, बताता होगा कुछ ना कुछ मेरे बारे में उल्टा सीधा। तेरा पड़ोसी ना काफी इंटरेस्टिंग है, मोहसिन जी और तुम्हारा कॉमन दुश्मन है ना। एनीवेज वो सब छोड़ और यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर। अब मैं ना ऐसा करने वाली हूँ तेरे लिए कि करण ना सिर्फ तेरे पीछे घूमेगा। नमकीन सी बात है हर नई सी बात में, तेरी खुशबू चल रही है जो मेरे साथ में। हल्का हल्का रंग बीते कल का, गहरा गहरा कल हो जाएगा। हाय। क्या बात है, आज बहुत अलग लग रही हो। थैंक यू। ओ शीना, अरे नहीं वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। अरे तुम किल कर गई। हेलो दी, आपका जादू चल गया। पता है आज पहली बार उसने मुझे नोटिस किया, यहाँ तक की बात भी की। देखा मैंने कहा था ना, और बता आगे क्या हुआ? आगे कुछ नहीं, एज यूजुअल शीना आ गई हमारे बीच। पता नहीं उसने करण को कोई मैसेज भेजा था और करण एज यूजुअल लड्डू हो गया उस पे फिर से। ओह तो ये बात है। क्या बात है? कुछ नहीं, तू घर आ फिर बात करते, चल बाय। अच्छा ठीक है। ये क्या बोल रहे हो आप? टिंग सिक्सटिंग, ये सब क्या होता है? बोल तो तू ऐसे जैसे तुझे कुछ नहीं पता। ये मुझे एक्चुअली नहीं पता, बताओ ना। वो कुछ मैसेजेस, कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज जिनका टोन थोड़ा सा सेक्सुअल हो, बस थोड़ा सा। हाँ नहीं दी, मैं ये सब नहीं कर सकती। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और अगर भैया को पता चला ना तो मुझे मारे डालेंगे। अरे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और ये जो स्टुपिड डर है ना, यही प्रॉब्लम है इन छोटे शहरों की। वहाँ मुंबई में ना सब करते हैं। श्वेता, मीनू, खाना खाने आ जाओ। भाई नहीं नहीं मैं तो। देखा बोला था ना, क्यों तेरे भैया पूरे दिन प्रियंका प्रियंका करते रहते हैं? ऐसे फंसाया तेरी ब्यूटीफुल भाभी ने स्ट्रिक्ट भैया को। अरे इसमें कुछ बुरा नहीं है, सब करते हैं। इनफैक्ट तुझे भी ट्राई करना चाहिए, सेक्सटिंग सच्ची बहुत सही है।
अरे यार ये पक्का पकाएगी। क्या है रिप्लाई? मैसेज पढ़ लिया, ब्लू टिक भी आ गया पर रिप्लाई नहीं कर रहा। शायद बिजी होगा। बिजी होगा उसका चाचा। एक काम कर, एक अच्छी सी सेल्फी निकाल दो अपनी। ठीक है। ऐसी नहीं, बिल्कुल ऐसे। अब फोन थोड़ा ऊपर कर। दी ये क्या कर रही हो? मैं बोल रही हूँ ना, कर क्लिक करो बाप, अच्छी लग रही है, स्माइल। नाइटली को सेंड करना उसको। कर दी सेंड। दीदी मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगता। अभी भी डम है ये सब कुछ, आजकल कॉमन है। भाभी ने देखा था कैसे फोटो भेजी थी भैया को? सब करते हैं। तू टेंशन मत ले, सो जा। ओ तेरी, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। देखा आया ना रिप्लाई? क्या कर रही है? थैंक यू तो बोलने दो। अब बड़ी जल्दी हो रही है। एक काम कर, फोन को साइड में रख और सो जा, सिर्फ सुबह का वेट कर। कल सुबह? हाँ जितना बोल रही हूँ ना सिर्फ उतना कर। चल ओके दी, चलो। अच्छा गेस कर कितने मैसेजेस आएंगे? शायद एक दो या फिर सिर्फ एक। 10। बेट लगाती है? 10 डन। मैसेजेस? तुम्हें कॉलेज में इतना अटेंशन नहीं दिया, बट यू आर रियली प्रिटी। लेट्स गो फॉर अ कॉफी आफ्टर कॉलेज। तुम हमेशा से इतनी सुंदर दिखती हो, या आज कुछ स्पेशल है? दैट लिटिल मार्क ऑन योर चिन, इट्स सो प्रिटी। मैंने तो 10 बोले थे, पर तेरा बंदा तो बहुत डेस्पो निकला। एनीवेज अब तू एंजॉय कर, लेकिन हाँ सिर्फ ऊपर ऊपर से मैसेज पढ़ना, डोंट रिप्लाई, ठीक है? हाँ सिर्फ ऊपर से पढ़ना। गुड नाइट। गुड नाइट। अपनी कजन की बात सुनकर मीनू ने मैसेज तो कर दिया, एंड शी आल्सो गॉट अ रिप्लाई। इनफैक्ट 33 रिप्लाईज। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात शुरुआत में उसे खटक रही थी। She was a little unsure. But still, उसने डिसाइड किया कि she will go with the flow. And she was confused. उसका दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और कह रहा था. And I'm sure इस सिचुएशन में हम सब कभी ना कभी पड़े हैं, आप मैं, and we face the situation a lot of times कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि दिल की सुने कि दिमाग की सुने. And you know, ऐसी सिचुएशंस में अक्सर मैं अपने गट फीलिंग को फॉलो करता हूँ. गट फीलिंग, अब उसे आप दिल की आवाज कह लें, इंट्यूशन कह लें, बट मेरी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती। एंड आई जस्ट विश एंड आई होप कि ये जो इंट्यूशन मीनू को मिल रहा था, शी शुड हैव फॉलोड इट, व्हिच शी डिडंट। हाय। सिर्फ स्माइल ही करती रहोगी या मैसेज का रिप्लाई भी करोगी? वांना प्ले ट्रुथ एंड डेयर? ओके बट कैसे खेलते हैं? मैं तुम्हें अपनी पिक्चर भेजूंगा एंड देन यू हैव टू सेंड मी योर्स। पर शर्त यह होनी चाहिए कि तुम्हारी पिक मेरी पिक से एक कदम आगे होनी चाहिए, वन स्टेप अहेड। सो रेडी?
हेलो। हाय। तुम्हें पता आज घर पर क्या हुआ? ओहो, नो होम टॉक। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अस। डू यू लाइक मी? आई लव यू बाबा, आई लव यू लॉर्ड। चलो कुछ फन करते हैं ना। कम ऑन मीनू, डोंट बी अ स्पॉइल्ड स्पॉट। आई रियली लव यू। डोंट यू लव मी? आई लव यू वेरी मच। तो चलो ना, मेरे लिए इतना नहीं करोगी तुम? ओके, यू आर द बेस्ट। पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब, ऐसे कैसे वादी में गूंजे कहीं नए साज, ये रवाब ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग कलियों ने बदले अभी ये मिजाज, एहसास ऐसे कैसे पलकों ने खोले अभी नए राज, जज्बात ऐसे कैसे पश्मीना। I have a new challenge for you. No. तुम्हारे चैलेंजेस मुझे बहुत कॉन्शियस कर देते हैं। क्यों, मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती? करती हूँ। तो प्रॉब्लम क्या? पहले पिक्चर्स भेजती थी, अब वीडियो भेज दो। नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? प्लीज ना बेबी, आई मिस यू अ लॉट। सामने होती ना तो कुछ नहीं कहता, बट जब तुम दूर होती हो ना तो तुम्हारे पास रहने का मन करता। नहीं करण, ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा, इतना नहीं कर सकती मेरे लिए? प्यार करती हो ना मुझसे, ट्रस्ट नहीं करती? ओके, आई थिंक तुम श्योर नहीं हो हमारे बारे में। ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूंगा, शायद तुम प्यार ही नहीं करती मुझसे। ठीक है, ठीक है। कच्ची हवा, कच्चा धुआं, नहीं, आई लव यू, तुम्हें पता है। सच में करती तो मेरी बात मानती। ठीक है करण, पर सिर्फ एक बार। ओके, डन। तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए। चुपके से कह रहा मैं साया बनू तेरे पीछे, चलू चलता रहू पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब, ऐसे कैसे फिक्र से एक दूजे में खुल रहे, जब हो जुदा ख्यालों में मिल रहे, ख्यालों में यूं ये गुफ्तगू चलती रहे।
हेलो, वीडियो देखा? अरे देखा, दो बार देखा और हजार बार और देखूंगा। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू सो मच। यू नो गाइस, कई सारे अलग अलग लोगों के लिए जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं व्हिच गिव देम अ हाई, व्हिच गिव देम अ रश, एड्रेनलिन, यू नो। किसी के लिए स्पीड कार रेसिंग, किसी के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स, और फॉर सम पीपल एज सिंपल एज कॉलेज के बीच में बैठकर अपना छुप छुप के लंच खाना, दैट कुड गिव देम अ किक, यू नो। एंड फॉर सम पीपल नाउडेज इट्स सेक्सटिंग, यू नो, रोज अपने इंटिमेट मोमेंट्स किसी के साथ फोन पर शेयर करना और उन इंटिमेट मोमेंट्स के लिए अप्रिशिएट होना, वेल दैट कुड बी अ हाई ऑफ सॉर्ट्स। मीनू के साथ यही हो रहा था, मीनू इसी सिचुएशन में थी। बट यू नो ऑन द कॉन्ट्ररी इट कैन बी रियली डेंजरस टू, अगर आप जिस बंदे के साथ सेक्सटिंग कर रहे हैं वो शायद आप उसे अच्छे से जानते नहीं हो, यू डोंट नो वॉट इट कुड गेट यू इन टू। अब उसके लिए ये सिचुएशन ज्यादा डेंजरस थी या नहीं, दैट विल हैव टू वेट एंड वॉच। हेलो, आज शाम मेरे घर पार्टी है और तुम आ रही हो। करण, आज नहीं आ सकती मैं, तुम्हें पता तो है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम आ रही हो। प्लीज करण समझो ना, भैया की शादी सर पर है, कितनी तैयारी करनी है, और ऊपर से आज भाभी भी आ रही है फंक्शंस के ड्रेसेस सिलेक्ट करने। अगर तुम नहीं आई ना तो कल कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे हमारी सारी चैट लगा दो। व्हाट? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। 6 बजे शाम, ओके? हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला। हाँ या कुछ और? एक मिनट। हाँ बेटा, आप ले लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हेलो, ये भी ना बहुत शैतान। श्वेता? हाँ भाभी। मीनू कहाँ है? वो मीनू ना बाहर गई है, एक्चुअली उसे ड्रेस अल्टर करवानी थी ना, बस आती होगी। तुम्हारे घर में शादी की तैयारियां हो रही है और तुम यहाँ हो, तो तुमसे क्या मतलब है? बड़े करण के फ्रेंड बने फिरते हो, बताओ क्या करण को कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो? तुम ना किसी के नहीं हो, गद्दार। मैं गद्दार हूं तो तुम बेवकूफ, समझी? मीनू तुम समझ क्यों नहीं रही हो? करण मेरा दोस्त है ना, मैं जानता हूं उसको, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही लड़का नहीं है वो। प्लीज मीनू, अब भी वक्त है, संभल जाओ। और हाँ एक और बात, करण से मैं डरता नहीं, तो तुम्हें उसे जो भी कहना तुम जाके कह सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीनू, हाय, कितना लेट आई हो यार तुम। फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, शी इज माय न्यू फ्रेंड मीनू। So come on guys, let's dance, do some party, yeah, Minu's here, I'm here, come on yeah. Sourire mon souci, je suis fou de toi, le désir qu'on t'en éveille, qui dépeut ta voix. Sourire mon souci, je suis fou de toi. नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई। नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई। अगली बार मुझे ऐसे धमकी मत देना। क्यों, क्या करोगे? क्या करूंगी? खा जाऊंगी। फिर तो और धमकियां देनी पड़ेगी। पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई, नशे से चढ़ गई।
हेलो, हाँ मैंने अभी देखे वीडियोस, थैंक यू उस पर नजर रखने के लिए। मीनू भाभी आप यहाँ? मीनू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बताइए ना, क्या बात है? तुम्हारे और करण के बारे में। कौन करण? मैं नहीं जानती किसी करण को। मीनू तुम अगर झूठ बोलोगी ना तो ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारे भैया से बात करनी पड़ेगी, लेकिन मैं तुमसे पहले बात करना चाहती थी। भाभी आप मेरी लाइफ में क्यों इंटरफियर कर रही हो? अभी तक आप घर में आई भी नहीं और अपने प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दिया। मीनू तुम जासूसी कर रही हो ना मेरी। माँ को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बहू घर में आई भी नहीं है और उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दिया। अबे भाई वो पागलों की तरह पीछे है मेरे। भाई जो बोलूंगा ना वो करेगी। अच्छा तो एक काम कर, तूने कॉल करके इसे यहीं बुला ले। यहाँ बुलाओ? इतनी सी बात? भाई एक कॉल करूंगा ना दौड़े चली आएगी। देख हेलो मीनू, कहाँ हो यार तुम? बीच पार्टी में छोड़ के चलेगी, अभी तो आ जाओ। करण मैं नहीं आ सकती, तुम्हें पता है? भाभी को हमारे बारे में पता चल गया है। अगर उन्होंने किसी को बता दिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके भाई तूने बोला था तू उसको एक फोन करेगा और वो भागी चली आएगी। अरे उसने तो तुझे फोन पर ही मना कर दिया। अबे भाई ठंड रख। चल भाई अभी देख क्या मंगवाता हूँ मैं उससे। भाई मंगवाएगा कुछ देखेगा ना। हाँ हाँ यही तो है। हेलो, देखो तुम नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, लेकिन कल जैसे तुमने वीडियो भेजी थी ना मुझे, ऐसे एक फोटो और भेज दो प्लीज। करण तुम पागल हो गए हो क्या? क्या इतनी प्रॉब्लम तो तुम्हें वीडियो की पड़ी है? मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। बाय बाय। भाई रहन दे भाई, नहीं होगा। ये साली समझती क्या खुद को? इधर आ भाई, इधर आ। इस सती सावित्री के कारनामे में दिखाता हूँ मैं तेरे को। ये देख, देख। ये देख, 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 देख। वाह यार, कमाल कर दिया, मजा आ गया सच में। सैल्यूट है भाई को। सैल्यूट। चीयर्स भाई के नाम। हेलो मीनू। हाँ स्वाति बोलो। पूरे कॉलेज में तेरा वीडियो सर्कुलेट हो गया है। कौन सा वीडियो? अरे तेरा शावर वाला वीडियो। सबके पास चला गया है, तू जल्दी से यहाँ। क्या हुआ तुझे, क्यों रो रही है? दी जो शावर वाला वीडियो मैंने करण को भेजा था वो पूरे कॉलेज में सर्कुलेट हो चुका है। क्या? दीप भाई को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। लेकिन प्लीज कुछ करो। करें करें को फोन कर, उसको पूछ वो कैसे कर सकता है ऐसे तेरे साथ। फोन कर उसे, अभी फोन कर। हेलो जी, क्या किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? करण मैं पूरे कॉलेज में बता दूंगी कि ये तुमने किया है। मैं तुम्हें कॉलेज से रस्टिकेट करवा दूंगी। करण तुम्हें पता नहीं
मेरे भैया गोल मार्केट फेडरेशन के चेयरमैन है, अगर उन्होंने एक आवाज की ना करण, 100 लोग खड़े हो जाएंगे। तुम नहीं बचोगे करण, देख लेना। लिसन शांत, मैं आज तक कभी तेरे घर आया हूँ, कभी तेरे बाथरूम में घुसा हूँ, वीडियो कैसे बनाऊंगा मैं तेरे? देख, अभी तक तो सिर्फ एक वीडियो लीक किया, मुझे इस झमेले में और फंसाया ना, तो तेरी सारी फोटोज, सारी प्राइवेट चैट सब लीक कर दूंगा, और ये इजीली प्रूव कर दूंगा कि तूने ये सब किया। तूने स्टार्ट किया था ना ये सब, तू आना चाहती थी ना मेरे क्लोज, बोल ना। करण, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? प्लीज ऐसा मत करो। देख, मैं कुछ नहीं करना चाहता था और ना ही कुछ किया, ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता। अब ये तेरी प्रॉब्लम है, तुझे ही मुबारक, और प्लीज मुझे इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत कर। करण मेरे, हेलो करण, क्या बोला उसने? दीप कुछ करो, वीडियो, दीप प्लीज मेरी मदद करो। मीनू, मीनू, कॉलेज से फोन आया था, तू ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं मीनू? हाँ भाई 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 भाई, इसकी गलती नहीं, किसी ने इसकी जानबूझ के वीडियो बना के सर्कुलेट कर दिया, कोई दुश्मन ही होगा। हमारे बाथरूम में घुस के वीडियो कौन बना सकता है? भाई भाई, वो देखिए, कभी नेम प्लेट तोड़ देते हैं, कभी बाथरूम का शीशा, और आपको याद है उस दिन उन्होंने धमकी भी दी थी। अगर मैं गुंडागर्दी पे आ गया ना तो आप सबका भारी पड़ जाऊंगा। कमीने, इतने हद तक गिर सकते कभी सोचा नहीं था। आज तो सालों को घर में घुस के मारूंगा। अरे अरे अरे, छोड़ दो उसे, क्या कर? आ, पीछा दिए साले, तुझे शर्म इतनी नहीं शर्कत करता है? आप लोग समझ रहे क्यों नहीं हो, मैं कुछ नहीं किया सच में। कॉलेज से फोन आया था, और तेरे सिवा इतनी शर्कत कोई कर भी नहीं सकता। फिल्म बनाने का बड़ा शौक है ना तुझे, आसपास के वीडियो बनाता ठीक था, साले मेरी बहन का वीडियो बनाता तू। देखिए, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं चाहूं तो आपको भी बहुत मार सकता, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तू मारेगा, तू मारेगा। अजय, 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 छोड़ दो उसे। तुम इसमें मत पड़ो। मीनू, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी गलती की सजा किसी और को मिल रही है। You should be guilty, so guilty. ये देखो क्या हुआ तुम्हारी वजह से। अंदर आओ मेरे साथ। मीनू, सुहेल मेरे पास ट्यूशन पढ़ता था, मुझे दीदी कह के बुलाता है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। लेकिन भाभी, आप तो जानते हो ना इसे, ये ऐसा क्यों करेगी? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मीनू, तुम्हें पता है ना, मुझसे सच छुपाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल, तुमसे नहीं तो किसी और से मैं सच पता कर ही लूं। नहीं भाभी, ऐसे सुहेल ने उस दिन तुम्हें पार्टी में देखा था और रोकने की कोशिश भी की थी, मैं राइट? सुहेल को डाउट था कि तुम किसी मुश्किल में पड़ सकती हो, वो तुम पे नजर रख रहा था, उसे पता था कि करण अच्छा लड़का नहीं है, वो कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। सुहेल ने मुझे तुम्हारे और करण के कई पिक्चर्स भेजे हैं। कैसे इस तरह झूठ बोल के किसी को फंसा सकती हो मीनू? एक इनोसेंट इंसान को जो तुम्हें शुरू से बचाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा भला चाह रहा है, वो वीडियोस तुमने भेजे थे ना करण को, वो पिक्चर्स, मैसेजेस और क्या क्या भेजे थे, सच है ना ये? बताओ मीनू। मुझे भी आपका सच पता, आप भी भैया को मैसेजेस भेजती थी, फोटोज भेजती थी, मैंने सब देखा है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती मीनू? तुम अपने भाई का फोन चेक करती हो? मीनू, अब हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और शादी होने वाली है, अब जाके हमारा कन्वर्सेशन इंटीमेट हुआ है, पर्सनल हुआ है, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे भैया को ये सब बोल के फंसाया? तुम्हें लगता है इस तरह फंसाया जाता है लड़कों को? यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। मीनू, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते?
हो एंड जिसके साथ तुम ये सब शेयर कर रही हो दैट पर्सन शुड हैव अर्नड योर मिनिमम ट्रस्ट रादर देन ब्लाइंड ट्रस्ट। तुम इस तरह अपने पर्सनल मोमेंट्स कैसे शेयर कर सकती हो? अपने सबसे इमोशनल रॉ इंटीमेट मोमेंट्स यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। किसी के बहकावे में आकर ऐसा कुछ मत कर दो जिससे बाद में रिग्रेट करना पड़े। और याद रखना एंड में आकर तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। तुम्हें खुद ही अपने आप को डिफेंड और प्रोटेक्ट करना है। और इन सब चीजों के बीच में आई एम फीलिंग सो बैड फॉर सुहेल। वो बेचारा तुम्हें शुरू से प्रोटेक्ट कर रहा था, तुम्हारा ख्याल रख रहा था। और एक साइड करण है जिस पर तुमने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, और उसने क्या किया? उसने पूरे कॉलेज में तुम्हारे वीडियोस सर्कुलेट कर दी। प्लीज ओपन योर आईज। आज जो कुछ हुआ है ना इससे बहुत बुरा हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू हैव टू बी। हेलो, क्या क्या हुआ? भाभी वो सोहेल ने प्रिंसिपल के सामने एक्सेप्ट कर लिया कि वो वीडियो उसी ने बनाया। कॉलेज उसे रेस्ट्रिक्ट करने वाला है। प्रिंसिपल ने नोटिस लगा कि अगर किसी के भी फोन में वो वीडियो मिला तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जो इल्जाम लगा है ना सोहेल के ऊपर उसे तुम्हें वापस लेना होगा। यू हैव टू टेक दैट बैक। चलो। करण मेरा दोस्त है ना, मैं जानता हूं उसको। तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही लड़का नहीं है वो। कभी तूफान है कभी खामोश है, क्यों सोहेल इतनी परेशान है? सोहेल, सोहेल आई एम सॉरी। कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की थी मैंने भी। करण अच्छा लड़का नहीं है, शायद तुम समझ नहीं पाए। जितना ट्रस्ट तुमने उस पे किया था अगर उतना ही ट्रस्ट तुम उस पे करती ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। मीनू, हम साथ साथ बड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे ये बात पहले की नहीं। तुम मेरे लिए अपनी छोटी बहन की तरह। अगर कोई भी मेरी छोटी बहन के साथ कुछ भी गलत करे तो चुप कैसे रह सकता हूँ? बिना सोचे समझे इल्जाम अपने सर पे नहीं लिया। करण से डील करके आ चुका हूं। तेरा नाम आ ही चुका है यार, तो प्लीज मुझे बचा ले यार। प्लीज मेरी हेल्प कर दे। तुझे नहीं बचा रहा हूं करण, मीनू के लिए ले रहा हूं ये इंतजाम अपने सर पे। और जहां तक तेरी बात है, तूने आज जो कुछ भी किया ना उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। जहाँ तक मैं तुझे जानता हूँ तेरे पास वो सारे SMS, चैट्स, वीडियोस के कॉपीज होंगे ना, तो तू वो कॉपी मुझे अभी के अभी दे देगा इसी वक्त। और अगर मुझे पता चला कि तेरे पास बैकअप है तो जितने भी राज तू आज तक लेके घूमता है ना वो सारे राज मैं खोलूंगा। सो फोन प्लीज। ये ले, इसमें सब कुछ है, फोटोज, वीडियोस, चैट। ये रहा करण का फोन, इसमें सारे इमेजेस, वीडियोस, चैट्स, सबके कॉपीज हैं। अब वो तुम्हें कभी ब्लैकमेल नहीं करेगा। हाँ, रही बात इस वीडियो की, थोड़ा वक्त, सब लोग भूल जाएंगे। सॉरी। बन गया हीरो, हो गया ड्रामा। तूने ये कैसे एडमिट कर लिया कि वीडियो तूने बनाई थी? पागल हो गया तू सोहेल? ये आपको जानती है ना, बचपन से मेरा सपना था कि मैं मुंबई जाऊं, फिल्म मेकिंग सीखूं। अगर अब्बू कहते थे कि फिल्म मेकिंग का नाम लिया तो मार डालेंगे ना। सब कुछ होने के बाद कॉलेज से निकाला गया, आस पड़ोस में बदनामी हुई, तो अबू ने मुझे खुद कहा कि तो कुछ भी कर मगर यहाँ मत, जितनी ही वीडियोस बनाना है बना ले,
बब्बू को कौन बिलीव मी, मैं खुश मैं सपनों को जीने का मौका मिला। पर सुहेल ये कौन सा तरीका है, ऐसे कैसे जा सकता है तू? मैं मानता हूँ कि आज यहाँ जो भी हुआ गलत हुआ, बुरा हुआ, मगर इस बुराई में भी एक अच्छा ही है। मैंने सपनों का एक फिल्म मेकर बनने का थी। और अगर प्रिंसिपल सर के सामने इल्जाम अपने सर पे ना लेता ना तो मीनू की बहुत बदनामी होती। मगर दी अब सब सही है, मेरे लिए भी और मीनू के लिए भी। तो बहुत मिस करूंगा थी और तुम्हें भी। सोहेल बात बता, तूने ये दो राखी क्यों ली? तेरे तो एक ही भाई है। नहीं। क्या? मेरे दो भाई हैं। Got my first internship as an assistant director coming by noon. See you then. Happy रक्षाबंधन। दो भाई। अरे छोड़ ना, तू क्यों अपने दिमाग पे लोड ले रही है? चल। ठीक है, चल। You know, finally मीनू की जिंदगी was back on track. Everything was just perfect. You know, वो धीरे धीरे अपने पास से उभरने की कोशिश कर रही थी and she was happy now. You know, सुहेल ने सही समय पर आकर मीनू की जिंदगी में उसे एक second chance दिया. And मीनू also learned her lesson कि trust doesn't come easy. या तो आपको trust gain करना पड़ता है या फिर you actually have to not trust everybody so easily. But on the other hand, सुहेल को अपनी dream follow करने का मौका मिला. You know, and in all of this, the most beautiful part of the story was when Suhail and Meenu actually found family in each other. Don't you think? Main aapse milunga agle hafte with another beautiful story just like Meenu and Suhail. Jinki kahani was one in a million. But believe me, aisi kahani kisi ki bhi ho sakti hai. All that you need to do is have faith. Kyunki zindagi ka dusra naam is faith. Believe. Believe ki zindagi aapke saath jo karti hai acche ke liye karti hai. Kyunki agar kabhi kuch bura hota hai zindagi mein to zindagi apne aap kuch na kuch acha zarur kar deti hai. Always balances it out. And इसी के साथ अगर आपके पास हमारे लिए कुछ suggestions, कुछ comments, any likes, dislikes that you have, please share it with us on facebook.com/azindagi and twitter.com/azindagi. I will be waiting for your suggestions. Until then, just say azindagi. We love you, and we always will. I always will. You should too. कभी खामोश है क्यों तू इतनी परेशान है ऐ जिंदगी अपनी।